सो भाइयों, आप सभी लोग जानते होंगे आईएसएल ट्रांसफर मार्केट इस टाइम पर वीक पर है। जी हाँ भाइयों, इंडिया टीम के कुछ बड़े प्लेयर ट्रांसफर हो रहे हैं वन क्लब टू अनादर, वो भी ह्यूज अमाउंट के साथ। उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि हमारी ये मेन कंसर्न नहीं है, जो मेन कंसर्न है उसी के बारे में वीडियो में बात करेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इंडियन फुटबॉल न्यूज़ के लिए। फर्स्टली वी गोना टॉक अबाउट इंडिया टीम अपनी तीन मेजर ट्रॉफी जीत चुका है। जी हाँ भाइयों, इस कैलेंडर ईयर की तीन मेजर ट्रॉफी इंडिया अपने नाम कर चुका है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की आईएसएल सीजन भी स्टार्ट होने वाला है, उसी के साथ साथ आने वाले इंडिया टीम के मेजर ट्रॉफीज कैसे लॉन्ग कैंप के साथ प्रिपेयर कर पाएगी इंडिया टीम, बहुत ही बड़ी कंसर्न होगी इंडिया टीम के लिए। किंग्स कप और मर्डेका कप जैसे बिग टूर्नामेंट अभी लाइंड अप है इंडिया टीम के लिए, उसी के बारे में हम बात करेंगे कि और कौन कौन से बिग मैचेस होने वाले। सो भाइयों, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंडिया टीम के लिए मेन कंसर्न होने वाली है किंग्स कप, जिसका कैंप लगने वाला है 20-31 अगस्त के बीच में। जी हाँ भाइयों, किंग्स कप बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर टूर्नामेंट होने वाला है, क्योंकि हमें इंडिया के बाहर जाके अपना कैलिबर को प्रूव करना पड़ेगा और आईएसएल टीम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि वो कैसे कोप अप कर पाते हैं हाई रैंक टीम के अगेंस्ट वंस अगेन। बट द नेक्स्ट पार्ट इज एशिया गेम्स के लिए जा रहे हैं अगस्त मैच अंडर 23 टीम को लेकर सितंबर में, जो कि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एज अंडर 23 प्लेयर बहुत ही इंप्रूव कर पाएंगे वो अपने आप को एट अ हाई लेवल। इसी के बाद जो मेन कंसर्न होने वाली इंडिया टीम की, वो होने वाली मर्डेका कप, जो कि वन वीक के कैंप के प्रिपरेशन के बाद होने वाला है अक्टूबर में, जिसमें मिडिल ईस्ट की टीम हमें फेस करनी पड़ेगी वंस अगेन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी एशिया कप के प्रिपरेशन। सो जो बिगेस्ट कंसर्न होने वाली है एएफएफ के लिए, वो होने वाली है फीफा इंटरनेशनल विंडो, जो नवंबर में होने वाली है, जिसमें हमें खेलना पड़ेगा एशिया की टॉप टीमों से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी। हमारी एजिलिटी, हमारी फिटनेस चेक कर पाएगी उन टीमों के अगेंस्ट कि हम कैसे परफॉर्मेंस दे पाएंगे और हम इम्प्रूव कर पाएंगे हमारे वन मंथ के लॉन्ग कैंप के अंदर। इसी के साथ साथ मेजर कंसर्न ये होने वाली है कि हमारे जो इंजर्ड प्लेयर हैं वो अगस्त मैच वापस बुलाएं और फिर से डेवलप कर पाए, उनको एज अ जेल कर पाए एज अ टीम। इसी के साथ साथ एशिया कप हमारा मेन टारगेट होने वाला है। तो आप सभी को क्या लगता है कौन कौन सी बिग टीमों के अगेंस्ट हमें मैच खेलना चाहिए? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Myself again, you hit just like a drug. This time I won't let you in. You're playing with fire. Knew I didn't know the prey, but this time I.